5% मार्क्स आए 12th में, और अल्लाह की मेहरबानी है कि इतने मार्क्स आए। मैं कानपुर पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी और अब आगे जाके जामिया मिलिया इस्लामिया में जोग्राफी ऑनर्स में एडमिशन लिए। उसके अलावा सबकी मुबारकबाद आई थी तो सब खुशी हो रहे थे, मुझे भी इतनी खुशी हो रही थी कि टॉप करा है मैंने। फैमिली में तो सब सपोर्टिव ही थे, बड़ी बहन भी सारी दोनों बहुत अच्छी थी, एक ने 10th में टॉप करा था, उसके सबसे ही सपोर्ट आया है। बहनें दोनों ही अच्छी हैं पढ़ाई में, जो सबसे बड़ी बहन है उसने पूरे नॉर्थ दिल्ली में इंग्लिश में टॉप करा था। सेकंड जो है सिस्टर, उन्होंने भी 10th में टॉप करा था पूरे स्कूल में। उसके अलावा सब सपोर्टिव भी हैं घर में, अच्छे वही खुश करते हैं कि अच्छे से पढ़ें सब। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में आगे ज्योग्राफी ऑनर्स परस्यू करूँगी ताकि फिर कार्टोग्राफी आगे जाके हो सके, और अभी उसी में मेन था फोकस तो उसमें तो माशाल्लाह हो गया। मैंने DU यूनिवर्सिटी में दिए थे, जामिया में एंट्रेंस दिए थे, जामिया में तो हो गया। DU का भी वेट करूँगी थोड़ा सा, मे बी उसमें भी ज्योग्राफी ऑनर्स में अगर आ जाए तो उसमें स्विच कर लूँगी। जो मुस्लिम की पढ़ाई का बोलते हैं उसमें आगे फैमिली को ही करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि एंड में है तो वो सब बच्चे ही, तो फैमिली को पुश करना चाहिए, फैमिली को अवेयर होना चाहिए सब बारे में कि एजुकेशन से कितना फ़र्क पड़ता है हर चीज़ में, उस हिसाब से ही देखना पड़ेगा। वो तो पूरी जनरल अवेयरनेस मीडिया के थ्रू ही फैल सकती है। जैसे सब्जेक्ट्स में तो सब में ही अच्छी हूँ, बट स्पेशली ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उसमें भी एक प्रोजेक्ट मिला था हमें 11th क्लास में, उसमें मैम ने बोला था कि अगर हो सके तो मैप बना लेना अपने जो भी एरिया को आप सर्वे कर रहे हो, और तो मैंने वो ट्राई करा था मैप बनाना, एंड देन उसके उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। सो उसके लिए आगे फिर रिसर्च की कि कार्टोग्राफी होता है आगे जाके, तो अब उसमें गए। और इतनी हो रही है कि नींद भी गायब है। और बाकी एक सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर ना डालें, एक उनको सिर्फ सपोर्टिव माहौल दें कि वो उनकी क्या नेसेसिटीज़ हैं, उनको क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, और सिर्फ इतनी ही डिमांड रखें कि जो अपना बेस्ट है वो शॉट दे दें। इससे ज़्यादा अगर जो हम करेंगे तो वो बेचारे अपने बोझ के नीचे खुद दब रहे हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा काफ़ी बच्चों से इंट्रैक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा वो लोग अपने बोझ के नीचे खुद दब रहे हैं। हमें सिर्फ उनको एक सपोर्टिव माहौल देना है, और उनका जो करियर ऑप्शंस है, अगर जो कहीं वो गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो ठीक है, नहीं तो बाकी उनको उनके हिसाब से चलने दें। देखिए मैंने तो सिर्फ अगर जो मैं कहूँ तो उन्होंने बच्चों ने खुद मेहनत करी, खुद आपस में इन्होंने अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करा। मैंने सिर्फ इतना ही करा कि उन्होंने जो मुझसे कहा कि भाई हमें ये चाहिए, वो स्कूल आने जाने में उनको बस की जगह मैं खुद लाया ले जाया करा, ताकि उनका टाइम बचे, उनको थकाना था, बाकी उनको जो है एक एंटरटेनिंग, एक दोस्ताना माहौल। जैसे मेरी बड़ी बेटी ने जब उसके नीट में बहुत अच्छी रैंक आई, उसने कहा मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना है। मैंने कहा आप कुछ नहीं करिए, आपको जो दिल चाहे वो करिए, जरूरी नहीं है वो डॉक्टर बन के ही कामयाब होगी, प्रोफेसर बन के भी कामयाब हो सकती है, राइटर बन के भी कामयाब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के फील्ड में आगे बढ़ें। स्कूल में उसका वो शुरू से लेकर आखिर तक अपनी क्लास में फर्स्ट ही आती रही। क्या नाम था? आदिया शमी। अपनी क्लास में फर्स्ट ही आती रही, उसके टीचर्स उसके लिए बहुत प्राउड थे, स्टूडेंट बहुत प्राउड थे, मुझे बहुत इज्जत मिली उसकी वजह से, बहुत ज्यादा इज्जत मिली, मतलब इतनी इज्जत मिली अपनी बेटियों की वजह से, जिसकी कोई यानी मैं फ्रैंक एंथनी स्कूल वालों को जितना शुक्रिया अदा करूँ कम हो। उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मेरी बच्चियों का करियर जो है शेप करा। दूसरी बेटी, सबसे बड़ी वाली बेटी जो है मेरी, उसने इंग्लिश ऑनर्स करा जामिया से, बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके, 90% की रेंज में आए उसके। फिर उसका पिछले साल MBA में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसे इंटरेस्ट नहीं आया था, उसने ड्रॉप कर दिया, अब नया एंट्रेंस दे रही। दूसरी बेटी हादिया, उसने 10th में 97-98% ऑलमोस्ट आए थे उसके, 12th में भी उसके 98% आए थे। अब वो बैंकी से बायोकेमिस्ट्री कर रही है, सेकंड ईयर है, अच्छा बहुत अच्छा कर रही है, अब उसका फाइनल ईयर चालू हो गया। जी जो है बड़ी वाली बेटी का जो है इंग्लिश टॉपर थी नॉर्थ इंडिया में, बड़ी वाली बेटी इंग्लिश में टॉप कर रहा था नॉर्थ इंडिया। क्या नाम? हकबर शमी। उसने जामिया से इंग्लिश ऑनर्स। ठीक।